हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं लाई हूँ एक फेस्टिव डेकोर हॉल जो कि है मीशो से। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से पहले सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करूँगी कि मीशो क्या है। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये लालटेन्स। ये गोल्डन शेड में है और इसके जो मिरर्स हैं, जो इनके इसके जो साइड के ग्लासेस हैं, वो रेड शेड में हैं। आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ये ऐसे सेट ऑफ टू आया है मेरे पास, मतलब एक और है ऐसा ही। और ये मुझे मैंने इसको हैंग करने के लिए मंगाया है रेदर देन रखने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब लालटेन्स ऐसे हैंग होते हैं। और ये लोग इतने स्वीट लोग हैं जिन्होंने ये भेजा है, तो मुझे इसके साथ इन्होंने टी लाइट भी भेजी है जो कि ऐसी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। ये प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये ना और दूसरे स्टोर्स पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, पर अगर आप मीशो से देखेंगे तो ये 300 समथिंग के रेंज में मुझे मिला है। मैं सारी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है। मुझे किसी और प्राइस पे मिल सकता है, आपको शायद स्टॉक कम हो या ज़्यादा हो, उसकी वजह से इनकी प्राइस थोड़ी वेरी होती रहती है। नीचे सारे मीशो के कोड रहेंगे जो कि आप इजीली जाके अगर कोड उसके सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपको इजीली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल पाएंगे। मीशो में लिंक नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये प्रोडक्ट कोड से ही काम करता है। अब चलते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये स्ट्रिंग लाइट। ये ना बहुत ही सुंदर लगती है। ये ना एकदम फ्लावर्स जैसे पूरे ना एक दिखने लगते हैं। और ना कहीं जगह ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, बट मीशो पे ये मुझे समवेयर अराउंड 200 मिली है। तो मैंने ये वहाँ से इसलिए पिक किया, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आपने ऐसे दो तीन ले लिए तो मतलब आप ऐसे जो अपन झालर बनाते हैं वैसा बन जाएगा, पर मैंने एक ही पिक किया जस्ट टू चेक द क्वालिटी, बट आई एम लाइकिंग इट। तो मैं ऐसे एक दो और मंगाने वाली हूँ। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि एक बंदरवार है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बंदरवार है। ये मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल प्राइस में मिली है मुझे। सेकेंडली इसका एक रीज़न ये था मुझे मंगवाने का कि अगर सम टाइम्स अगर फ्लावर्स नहीं मिल पाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का बंदरवार नहीं बना पाते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया इसमें तो मतलब ये सालों साल चलती है। और ये प्राइस वाइज समवेयर अराउंड 300 समथिंग का था, तो ये प्राइस हिसाब से तो बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनमें आपको सिर्फ ना टी लाइट जो आती है वो ऐसे के ऐसे रखनी है और एग्जैक्टली वो जो उसमें से जैसे रोशनी स्प्रेड करते हैं ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। और ये मुझे समवेयर अराउंड 150 या 170 में मिले थे, तो मैंने ऐसे पिक किए हैं। ये सेट ऑफ टू में ही आता है, तो आप सेट ऑफ फोर, सेट ऑफ सिक्स अपना मंगा के। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है, अगर हवा भी तेज़ चलती है ना तो अपना जो दिया है वो बुझता नहीं है। क्यों तो ये बहुत अच्छा है अपनी बैल्कनी में, अपने डोर साइड, और अगर छतवत है आपके घर में तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। ब्यूटीफुल भी लगेगा और एक अच्छा सा लुक देगा आपकी डेकोरेशन को। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन ये दिया। आप देखिए सुंदर सा दिया, एकदम रिच लुकिंग लग रहा है। और इसको मंगवाने का मेरा एक ये रीज़न था, जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो उसमें ना आप इसको मतलब दो तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको समटाइम्स ये नहीं लगाना है ये कैप, तो आप इसको हटा सकते हैं और ऐसे नॉर्मली आप इसको अपने भगवान के मंदिर में ऐसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया कि ये तो दिवाली दशहरे इसी टाइम पे यूज़ होगा, बट ये हम हमेशा इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना सेट ऑफ टू आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेट ऑफ टू में आया है, तो ये भी मुझे समवेयर अराउंड 200 में पड़ा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छे दिए हैं। क्योंकि जब हम इस तरीके के दिए लेते हैं तो वो सालों साल चलते हैं। इनको हमको ज़रा सी पीतांबरी से बस साफ़ करना है एंड ये क्लीन हो जाते हैं, और इनको तो ईजिली इनको तो ज़्यादा देर हम यूज़ करते नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और एक बहुत अच्छा लुक आपके मंदिर में और घर में डेकोरेशन में बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो दिवाली में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वही मैंने इस बार हॉल में अपने जो है वो शेयर की है। और ये है वो स्ट्रिंग लाइट्स। ये जो लाइट्स हैं
आप इनको किसी भी शेप में मतलब बना सकते हैं, बिकॉज़ ये एक एल्युमिनियम वायर है जिसकी हेल्प से ये किसी भी शेप में जो है आपको डिज़ाइन वगैरह कर दे सकता है। दिया बना सकते हो आप, स्टार बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो आपके डेकोरेशन को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ऐसे मैंने ना अभी पहले दो मंगाए थे जस्ट टू चेक की क्वालिटी कैसी है और सब कुछ, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए। ये मुझे 69 ईच आया है, तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस। द क्वालिटी विच आई एम गेटिंग इन दिस प्राइस इज़ वेरी गुड। ऑल्सो ये ना बैटरी ऑपरेटेड है, तो मतलब थोड़ी देर मतलब अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं, ये ईजिली बंद हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये हम जैसे बॉटल में अगर इसको डाल के रखें तो आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये सर एज अ कैप की तरह काम करेगा। तो चलते हैं मेरे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है, मैं बताती हूँ आपको क्या है, बट इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी। और ये ऐसा आइटम है कि आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिवाली में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ गिफ्ट्स करना होता है, तो आप उसमें ये कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, आपके बजट में फिट होगा। और ये मैंने अभी सेट ऑफ टू मंगाया था, मैंने बताया, क्योंकि मैं मीशो को पहली बार ट्राई कर रही थी, तो मैंने सारी चीज़ों को क्वालिटी में ध्यान मतलब दिमाग में ये ध्यान रखे कि क्वालिटी अच्छी आए, तो मैंने पहले सभी चीज़ों का एक एक पीस ऑर्डर किया था। बट अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इनके जल्दी से जल्दी और पीसेस मंगाने, वरना ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये भी एक डिफरेंट टाइप के दिए हैं, जो कि हमारा जो कमल का फूल होता है उसकी उनके शेप में है ये। तो इनके कलर्स बहुत प्रिटी हैं, और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं, बट अभी ये कलर आया है मुझे ऑरेंज और ब्लू। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लगेंगे, और मुझे तो अभी मतलब मैंने इनको यूज़ नहीं किया, बट उसके पहले ही मैं ये सोच सकती हूँ कि अगर इसमें जोत और जलेगी तो ये कितने ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है ये। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं गिफ्टिंग में भी। और ये समवेयर अराउंड कुछ 200+ का था, मतलब या तो 230 या 240 में, ये टू सेट ऑफ टू है, ऐसे अगर फोर का लेंगे तो 460 है, ऐसा कुछ था। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लाइट वेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईजिली क्लीन हो जाएंगे, तो आप इनको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने अपने अपने घर के लिए पिक किए थे। आई होप आपको आज के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों। मैं सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जिस ऐप से मैंने मंगाया है उसका नाम है मीशो। आप सब जानते होंगे मीशो के बारे में, ये होलसेल और रिटेल के लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से काफ़ी लोग अपना जो होम मेकर्स होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, वो अपना बिजनेस करती हैं और अपना प्रॉफिट और जो भी अपना मार्जिन है वो अर्न करती हैं। इसमें सब कुछ मिलता है आपको, कपड़े मिलते हैं, किचन का सामान मिलता है, डेकोरेशन का सामान मिलता है, बेडशीट्स, मतलब एवरीथिंग दे हैव इन देयर यू नो इन देयर विद देयर इन देयर कलेक्शन। तो आपको कहीं भी और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से सबसे सस्ते में यहाँ पे आपको मिलता है। पर हाँ, ये है कि स्टॉक मतलब स्टॉक ज़्यादा या कम की वजह से इनकी प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, वो तो हर जगह ही होता है। तो आप एक बार कंसिडर कीजिए, मेरे कहने पे ज़रूर मीशो को ट्राई कीजिएगा। मैं मीशो की जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कॉन्टेंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू।